गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम होली पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मैनपुरी। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 8th, चैप्टर 1st, टॉपिक लावेला डेमसेंस मर्सी। लावेला डेमसेंस मर्सी फ्रेंच वर्ड्स हैं जिसका मीन्स होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी और पिटी। इस पोइम को पोइट ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट थ्री स्टैंजास में पोइट ने क्वेश्चन किया है नाइट से कि वह अकेला इस खराब मौसम में क्यों घूम रहा है। द रेस्ट स्टैंजा में नाइट ने आंसर दिया है कि उसके अकेले होने का कारण क्या है, वह क्यों अकेला घूम रहा है। ओके, दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ही वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1795। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पोइट। ही इज नोन एज अ पोइट ऑफ ब्यूटी। ही डाइड इन 1821। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट द पोएम आई वॉन्ट टू टेल यू, वेन एवर यू सी द वीडियो यू पुट योर बुक विद यू। विद द हेल्प ऑफ बुक यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम वेरी वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर पोएम लावेला डेमसेंस मर्सी। Oh, what can ally thee, knight at arms, alone and pale, loitering, the sledge has withered from the lead and no word seen. Ally means होता है कष्ट देना। Knight of arms, साहसिक कार्यों की खोज में, जो knight है साहसिक कार्यों की खोज में निकला हुआ है। Knight means होता है सम्राट, योद्धा। ओके, pale, रक्तहीन, इस loitering, aimlessly, निरुद्देश्य, मतलब जिसका कोई भी उद्देश्य ना हो। स्लेज मीन्स होता है पौधा। ओके, विदर्ड मीन्स मुरझाया हुआ। ओ व्हाट कैन एली दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पैलरी लॉटरिंग। कभी पूछ रहा है इन लाइनों में कि उस वह अकेला इस रास्ते में क्यों घूम रहा है, उसके घूमने का कारण क्या है। द स्लेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेग एंड नो वर्ड सिंग। कभी कह रहा है कि इतने ख़राब मौसम में जबकि कोई भी पक्षी नहीं है, सारे जो पक्षी हैं वो गर्म स्थानों की ओर उड़ चुके हैं, जो दलदली भूमि पर पौधा खिला हुआ था वो भी मुरझा गया है इतने ठंडे मौसम में, उसके अकेले घूमने का कारण क्या है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। एली दी नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वी वो बी गॉन। हैगर्ड मीन्स होता है थका हुआ, वो बिगॉन मीन्स होता है लुकिंग सैड। द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। पोइट पूछ रहा है नाइट से कि वह इस पहाड़ी पर निरुद्देश्य क्यों घूम रहा है, उसकी उदासी का कारण क्या है, वह इतना थका हुआ और उदास क्यों प्रतीत हो रहा है। ये समय सर्दी का है, जबकि ये ऐसा समय है जब स्क्वायरल अपने भंडार को पूरा कर चुकी हैं, भर चुकी हैं, किसान अपनी फसलों को काट चुके हैं और घर जा चुके हैं। केवल नाइट है जो उस पहाड़ी पर अकेला घूम रहा है, उसके अकेले घूमने का कारण क्या है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, आई सी अ लिली ऑन दी ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दी चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू। कह रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि नाइट का जो फोर हेड है, ब्रो मीन्स होता है फोर हेड है, वो कुमुदिनी के समान, लिली के फ्लावर के समान दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर मानसिक चेतना, मानसिक जो चिंता है वो प्रतीत हो रही है। उसके चीक्स मुरझाए हुए गुलाब के जैसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह मुरझा चुका है। पोइट नाइट से उसकी उदासी का, उसके मानसिक तनाव का कारण जानना चाह रहा है। वह जानना चाह रहा है कि वह उस पहाड़ी पर अकेला निरुद्देश्य क्यों घूम रहा है। ओके,